नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव अपने YouTube चैनल से मूर्ति ग्रुप से, और आज आपको दिखाते हैं जैसे कि इस ट्रैक्टर का मैं स्वराज 963 FE फोर व्हील ड्राइव का रिव्यू कर चुका हूं, और आज इसमें एक नया जगजीत कंपनी का सुपर सीडर आया है जो कि बुआई के लिए काम आता है। गेहूं, चना, सरसों कोई भी फसल इसमें बो सकते हैं, अलग अलग सेटिंग्स के साथ आता है। तो आइए देखते हैं, आज इसमें गेहूं की बुआई हो रही है, तो आपको दिखाते हैं कि कैसे काम करता है, कैसे चलता है, कैसे मिक्सिंग की जाती है इसकी। तो आप ट्रैक्टर देख सकते हैं पीछे, आप आइए दिखाते हैं आपको। सुपर सीडर लगा हुआ है, इसमें गेहूं वो मिलाया जा रहा है साथ में। लगभग हमारे तरफ जो होता है एक एकड़ में 50 केजी तक का गेहूं डाला जाता है। उसी हिसाब से आप देख सकते हैं इसमें दो बॉक्स बना हुआ है, दोनों बॉक्स में, एक बॉक्स में गेहूं डाल दिया गया और दूसरे बॉक्स में अभी देखते हैं क्या डाला जाता है। हमको उम्मीद है कि इस दूसरे बॉक्स में फर्टिलाइज़र वगैरह डाला जाएगा या गेहूं जो भी है उसको दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं दूसरे बॉक्स में जो फर्टिलाइज़र आता है, DAP जिसको बोलते हैं, वो मिलाया जा रहा है। जितना गेहूं होता है उतना ही DAP भी मिलाया जाता है हमारे तरफ। और दूसरे कंपार्टमेंट में फर्टिलाइज़र डाला जा रहा है। एक कंपार्टमेंट में गेहूं, दूसरे कंपार्टमेंट में फर्टिलाइज़र। आप वीडियो में आपको दिखा रहा हूं मैं रोटेट करके कितनी फील्ड है, कितने मिलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सामने जो ये घर बना हुआ है, घर आप देख सकते हैं वहाँ से लेके और सीधा रोटेट करते समय आप देख रहे हैं डांड़ जो बना हुआ है, जो ग्रीन दिख रहा है, इतनी एरिया, ये एक एकड़ के लमसम खेत है। उसमें 50 केजी तक इसमें बीज जो है गेहूं, और 50 केजी तक ही आप मान लीजिए कि क्या कहते हैं इसमें ये डाला जाएगा फर्टिलाइज़र। और इस बॉक्स की कैपेसिटी है वो 80 केजी की कैपेसिटी है, जगजीत कंपनी का ये सुपर सीडर है। अभी पूछते हैं जो पंजाब से ट्रायल के लिए और सेटिंग करने के लिए आए हैं, तो उनसे भी बात करेंगे कि कितनी प्राइस है और कौन कौन सी फसल इसमें डाला जा सकता है और क्या अलग है बाकी से, सब कुछ आपको दिखाते हैं। और वीडियो में आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये पाइप वगैरह इसके देख सकते हैं, और पाइप के अंदर गिरने के लिए बराबर बेलर वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी हैवी दिया हुआ रोटेट करने के लिए कि काफ़ी प्लेन हो जाए। एक बार बस आपको कल्टीवेटर से इसको अपने ज़मीन को, जो भी आपका फील्ड है, कल्टीवेटर से एक बार उसको खुदवा दीजिए, और नहीं भी खुदवाएँगे तब भी काफ़ी बराबर लेबलिंग में हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी फील्ड है, दूसरी फील्ड है जिसमें ट्रायल किया गया है। ट्रायल करने का मतलब ये है कि ये चार दिन पहले हार्वेस्टर से फील्ड कटी हुई है। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी इसमें रूट जो है, जड़ें छूट गई हैं। अब ये हार्वेस्टर के पीछे का जो भी है एक्स्ट्रा वगैरह गिरा हुआ है, और चूँकि थ्रेसिंग वगैरह सब हार्वेस्टर में साथ में ही होती है, और उसके बाद तुरंत बाद आज टेस्टिंग जब हो रही थी तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का सुपर सीडर से जुताई करने के बाद कुछ इस टाइप की मिट्टी बाहर निकल के आ रही है, जिसमें आपको पता नहीं चल पा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम से बुरादा टाइप का हो जा रहा है, पतली महीन हो जा रही है मिट्टी, जो कि गेहूं के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। जो स्ट्रा होता है कुछ दिनों में इसी में सड़ गल के खाद की तरह, फर्टिलाइज़र की तरह काम करेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिस्टम हो गया, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। आप देख सकते हैं मिट्टी जो है इसकी काफ़ी भुरभुरी हो गई है, जो कि गेहूँ को अंकुरित होने में, जर्मिनेट होने में काफ़ी मदद करती है। और आप देख सकते हैं ये एक राउंड दो राउंड चलाया गया टेस्ट करने के लिए कि इसमें कैसा दिख रहा है, क्योंकि बाकी अगर आप कल्टीवेटर से जोतते हैं तो ये इकट्ठा होने लगता है, काफ़ी दिक्कत पैदा होने लगती है। आप ये स्ट्रा वगैरह देख सकते हैं उसमें सारा सिस्टम सेट है, इसीलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर आइए प्लेन खेत में, जो कि एक बार कल्टीवेटर से पहले ही जुताई हो चुकी थी उसकी, और जो मॉइस्चर उसका ख़त्म होता जा रहा था इसलिए गेहूँ उसमें आज बुआई हो रही है। तो आइए देखते हैं कैसे क्या सिस्टम है, कितना बुआई हो रही है, स्टार्ट करिए। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बीज और फर्टिलाइज़र डाल दिया गया है। अब ये ट्रैक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और देखते हैं फिर कैसे क्या मिक्सिंग का क्या सिस्टम है और सेटिंग वगैरह कैसे करते हैं। कंपनी के लोग भी यहीं पे हैं, आप देख सकते हैं गाड़ी से आए हैं और काफ़ी लोग हैं। टेस्टिंग चूँकि चल रही है, अभी न्यू है, सेटिंग वगैरह कर रहे हैं, और आज पहली बार इस खेत में फील्ड में आया है तो आज सेटिंग हो जाएगी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं लोगों को खड़े होकर काफ़ी लोग देख रहे हैं, और ये ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया और देखते हैं क्या सिस्टम है, आपको दिखाते हैं। हाइड्रोलिक दिखाइए आप, कॉर्नर से एक तरफ से स्टार्ट करते हुए पीछे आइए, पीछे कॉर्नर से एक तरफ से स्टार्ट करते हुए और देखते हैं क्या सिस्टम है। सारा कंट्रोलिंग जो है इसकी ऊपर से ही है ऐसा लग रहा है। जब ये रोटेट होगा रोटावेटर इसका, उसी टाइम प्रॉपर काम करेगा इसका जो सीडर वाला सिस्टम है ऊपर का।
और ऐसा बताया गया है कि अगर आपको आवश्यकता ना हो तो ये सुपर सीडर का जो आप ब्रांडिंग देख रहे हैं ऊपर इधर लगी हुई है, सुपर सीडर की जो ब्रांडिंग आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला जो सीडिंग वाला सिस्टम है तो इसको क्या करते हैं कि हटा देते हैं ऊपर से, तो केवल आपका रोटावेटर रह जाता है। और अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट होता है तो आपको वीडियो में दिखाते हैं। देख सकते हैं आप स्टार्ट हो गया, हाइड्रोलिक नीचे कर दिया गया है और जो भी है मिक्सिंग का काम चल रहा है, दिख तो नहीं रही है चीज़ें अभी ये, और नीचे हाइड्रोलिक और नीचे दबाने के लिए बोल रहे हैं। साथ में आप देख सकते हैं मिक्सिंग अच्छी होगी, जो भी उसका ग्रेन गिर रहा है उसमें पता नहीं चल रहा है। और आप नीचे ज़मीन में देख सकते हैं कुछ दिख भी नहीं रहा है, अब ये गिरने के बाद ही पता चलेगा कि मिक्सिंग किस टाइप की हो पाई है। नीचे ज़मीन में देखने के बाद कुछ दिख तो नहीं रहा है, नीचे कर दिया गया रोटावेटर से जो सिस्टम होता है, अभी गिर नहीं रहा है इसीलिए कुछ दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा बता रहा हूँ। देख दोस्तों, देख रहे हैं अभी खेत में जो भी था ये चल रहा है, अभी नॉर्मल चलाया जा रहा है, टेस्टिंग में देखा जा रहा है क्या प्रोसेस है क्या नहीं। अभी सीड गिर नहीं रही है, जो फर्टिलाइजर है वो भी नहीं गिर रहा है इसका, तो अभी स्टार्ट होगा हमको लग रहा है। अभी नॉर्मल ऐसे टेस्ट किया जा रहा था, देखा जा रहा था कि क्या चीज़ प्रॉपरली है, क्या चीज़ काम कर रहा है, क्या चीज़ काम नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं, दोस्तों आप देख सकते हैं जो इसका साइड का ये रोलर है इसको नीचे किया गया है, और ऐसा लग रहा है इससे कुछ कंट्रोलिंग है डेप्थ का कि कितनी गहराई तक इसको नीचे जाना चाहिए। ये जो वाइट वाला सिस्टम आप देख रहे हैं कुछ डेप्थ कंट्रोलर है कि जिससे कितनी गहराई तक चीज़ें जानी चाहिए, और जो चैन सिस्टम आप देख रहे हैं चैन से ही रोटेट होता है। अब ये जो भैया हैं वो सेटिंग का बता रहे हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं, 2 किलो में बोल रहे हैं, 2 किलो में ट्रैक्टर को चलने के लिए, 60 HP का ट्रैक्टर है और 2 किलो में चलने के लिए बोल रहे हैं। आप नीचे देख सकते हैं अब गेहूं गिरने लगा है इसमें, लेकिन अभी कुछ ऊपर नहीं दिख रहा है, काफ़ी नीचे। हाँ आप ये देख सकते हैं कुछ गेहूं है, जैसे कि ये आप सामने देख सकते हैं गेहूं 1-2 दाने बाहर रह जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाइए इसको ना। ये जो गेहूं का दाना आप देख रहे हैं जो सीट का है वो दिख रहा है, 1-2 हल्का फुल्का कहीं दिख रहा है, ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर रोटावेटर वगैरह से मिक्स किया जाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिखने लगता है, चूँकि वो नीचे का ऊपर का नीचे कर देता है, लेकिन इसमें जो है नीचे चला जा रहा है गेहूँ आपका। एक जगह अभी तक फ़िलहाल में हमको दिखा है, बाकी और कहीं नहीं दिखा है। और ये देख सकते हैं काफ़ी लोग वही चीज़ टेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना गहराई तक इसकी कैपेसिटी है और कितना गेहूँ की सीड नुकसान हो रही है, कितना मिल रही है, फर्टिलाइज़र वगैरह नीचे चला जा रहा है। हमको लग रहा है इससे काफ़ी अच्छी जो है आपका वो आएगा। ये भैया देख रहे हैं इधर से एक सेटिंग का कुछ सिस्टम बना रहे हैं, चूँकि ये कंपनी से हैं तो कुछ सेटिंग का क्या टेस्ट कर रहे हैं क्या नहीं, और अब बता रहे हैं कि 3 किलो में चलिए। आप ड्राइवर साहब को इशारा किए कि गाड़ी अब 3 किलो में चलाइए, अब तेज़ चलाइए, और एक ही जो चास होता है एक ही बार में पूरा बराबर कर दे रहा, मिट्टी को काफ़ी महीन कर दे रहा है। और आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ ये गेहूँ की जुताई हो रही है, मतलब जहाँ जहाँ सीडर है वहाँ वहाँ लाइन हल्की बन जा रही है, इसी लाइन में हमको लग रहा है गेहूँ जमेगा इसी के नीचे, इतना गैप देखे। ये गैप आप ऐसे समझ सकते हैं 4 इंच से लेकर 5 इंच का गैप है, एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में 4 से 5 इंची का गैप है। और भी देखते हैं क्या सिस्टम है इसका मिक्स करने का। गेहूँ दिख नहीं रहा है, सही है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कल्टीवेटर से सबसे पहले मिलाया जाता था, कल्टीवेटर के बाद रोटावेटर का सिस्टम आया, रोटावेटर के बाद अब ये सिस्टम आई, ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। सीड आपकी दिख नहीं रही है, नीचे नहीं करना है, आपकी बेकार नहीं जाएगी सीड इसमें, ये एक सिस्टम हमको लग रहा है कि जो धूप ऊप की वजह से जर्मिनेट नहीं हो पाती है वो सिस्टम इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और अब वीडियो ख़त्म करते हैं, आपको दिखाई दिए कि क्या सिस्टम है, ऐसे ही कुछ सिस्टम है चल रहा है। ये जो डेप्थ कंट्रोलर टाइप का वाइट वाला आप जो देख रहे हैं सिस्टम, जो साथ में हल्का हल्का रोटेट कर रहा है, ये डेप्थ कंट्रोलर टाइप का है कि ज़्यादा सीडर को नीचे न दबने दे, ऐसा मुझे लग रहा है। और बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं और मिट्टी भी काफ़ी भुरभुरी बना दे रहा है, जिससे गेहूँ की जर्मिनेट होने के समय कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, और ऐसे ही नई नई वीडियो लाते रहेंगे आपके सामने, और बहुत बहुत धन्यवाद सब दोस्तों।